अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यास किचन। आज हम बनाएंगे मैंगो खीर, जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार। यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। इसे अच्छी तरह से हमने पका लिया है। हाफ एन आवर हो चुका है मैंने ये रख दिया है ये, और ये डिक्रीज भी हो गया है थोड़ा सा। अगर आप चाहें तो इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ शुगर ऐड कर रही हूँ। 2 कप, 400 ग्राम के करीब है ये। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 4 से 5 मिनट तक और पका लें, शुगर मेल्ट होने तक। मिक्स करते रहें इसे ताकि ये बॉटम में ना स्टिक हो जाए। इस तरह से आप हिलाते रहें। देखें, इसमें मलाई हमें जमनी नहीं देनी है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर वेनिला कस्टर्ड का यूज़ किया है 3 टेबल स्पून। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसकी एक स्लरी बना लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं 1/2 कप। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि कोई भी लम्स ना रहें। ये देखें, शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें कस्टर्ड की स्लरी ऐड करते हुए हिलाते जाएंगे। लेकिन लगातार आप इसे हिलाते रहें ताकि ये बॉटम में स्टिक ना हो जाए और कोई भी लम्स ना रहें। ठीक है, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसे पकाते रहेंगे और कस्टर्ड मिलाते रहेंगे। थोड़ा पकने के बाद कस्टर्ड थिक होते जाएगा। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर और इसे पका देंगे, 3-4 मिनट तक। हमें उतना गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये खीर है, तो हम थोड़ा सा ही थिकनेस रखेंगे इसमें। 4 से 5 मिनट हम इसे पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। ये देखें, ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है 1 घंटे के बाद। ज़्यादा थिक नहीं होना है। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी हमने इसे मिक्स करते गया है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 1 kg यहाँ पर आम का रस ले लिया है, ठीक है ये। इसमें थोड़ा सा मैंने 1/2 कप के करीब शुगर ऐड कर लिया था और थोड़ा सा दूध ऐड करके इसे ग्राइंड कर लिया था। इसमें हम ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो जो रेडीमेड मैंगो के टिन मिलते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये टोटल 1 kg के करीब है। अच्छे से इसे मिक्स करते रहें, इसमें ऐड कर दें अच्छे से मिक्स करने से। ये बहुत ही मज़ेदार की बनती है खीर। इस तरह से आप बनाएं, बहुत ही इजी है। ये देखें, अगर आप चाहें तो फिर से एक बार इसे ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर विस्कर की हेल्प से कर रही हूँ इसे मिक्स, ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें, अच्छे से मिक्स हो गई है ये। इसकी थिकनेस देखें कितनी गाढ़ी हो गई है। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब ये जब हम ठंडा करेंगे तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम लिया है 1 कप। हम इसे भी ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक मैंगो को कट कर रख लिया है, छोटे पीसेस कर रख लिया है। और यहाँ पर मैंने कुछ नट्स ले लिया है, काजू बादाम और पिस्ता को कट कर रख लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे, अगर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप वो ऐड कर लें। बहुत ही मज़ेदार लगती है ये खीर। देखिए, थोड़ी से हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे और मैंगो के चंक्स ऐड कर देंगे। ये देखें कितनी यम्मी लग रही है देखने से ही। अब हम इसे फ्रिजर में रख देंगे 2-3 घंटों के लिए, ताकि ये ठंडी ठंडी हम इसे सर्व कर सकें। ये देखें, 3 घंटे हो चुके हैं। हमने सर्विंग बोल में खीर को ऐड कर लिया है और थोड़े से नट्स ऊपर से गार्निशिंग कर लेंगे और थोड़े से मैंगो के चंक्स ऐड कर लेंगे। देखें कितनी मज़ेदार लग रही है। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और ठंडा ठंडा इसे बनाकर सर्व करें। सबको ज़रूर पसंद आएगी, बच्चे हो या बड़े, इंशाल्लाह। ये देखें, बहुत ही टेस्टी रेसिपी हमारी बनकर रेडी हो गई है। इस तरह से आप ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। लाइक करें मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।